हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग एंड एड टू मैनेजमेंट प्लानिंग। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आर द थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज अ डिजायर टू हैव ए ब्रीफ डिस्कस ऑफ दिस फंक्शन। प्लानिंग प्लानिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, दैट इज लुकिंग अहेड एंड डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it, and when to do it, and how is to do it. In planning, management is concerned with laying down objectives and determining the course of action to be followed out of the several alternatives available. To achieve those objectives, those planning is concerned with the future activity. So, planning always future ke liye hota hai. Hum kis tarike se kaam ko kare कि हम अपने टारगेट्स और अपने गोल्स को अचीव कर लिए, हमारा प्लानिंग होता है। आप भी अपने लाइफ में प्लानिंग करते हो, आपने सीएमए ज्वाइन किया है, आपका प्लानिंग होगा कि हम 3 साल 4 साल बाद हम सीएमए क्वालिफाई करें, हम ग्रुप 1 में इस तरीके से पढ़ेंगे, ग्रुप 2 में इस तरीके से पढ़ेंगे, हम ट्रेनिंग यहाँ से करेंगे, ट्रेनिंग के बाद हम इस तरीके से करेंगे। आपने एक प्रॉपर अपने लाइफ का एक अपने फ्यूचर प्लान आपने डिसाइड किए होंगे अगले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। कंपनीज भी इसी तरीके से डिसाइड करती है और सब कुछ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सिंस मैनेजमेंट हैज टू मेक ए चॉइस ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। सेम आपके लाइफ में भी, जब आपने सीएमए ज्वाइन किया तो इस टाइम भी आपके पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव थे और उसमें से आपने एक चॉइस किया। सेम मैनेजमेंट के पास भी डिफरेंट कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव होते हैं और मैनेजमेंट उसमें से भी एक को चॉइस करता है। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ऑल रेशनल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दी accounting information. Decisions may related to various problems like fixation of price, whether or not price should be reduced or increased level. ये सारी चीज़ें ना practically में होता है। जैसे मान लो मैं कोई company आई मेरे पास जिसके लिए मैं price fix कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक company में employee हूँ और मेरे पास कोई buyer आता है तो मैंने उसको price fix कर दिया। अब होता है कि उसका production आ गया, उसका order आ गया, हमने production कर दिया, goods चला गया, फिर से जब 6 महीने 1 साल तो फिर से ऑर्डर देने आता है तो बोलते हैं यार प्राइस हमें रिड्यूस कर दो। तब मैनेजमेंट फिर डिसाइड करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाता है कि भैया देखो हम प्राइस कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर वो कॉस्ट अकाउंटेंट फिर से प्राइस कैलकुलेट करता है एंड बताता है कि क्या हम प्राइस कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है वेदर ए चेंज इन प्रोडक्शन शुड बी फॉलोड, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस करने या नहीं, whether or not factories should be operated at full capacity. अब देखो जब आप बजटिंग पर होगे तो वहाँ बताता है कि हम किस किस लेवल ऑफ, बहुत सारे लेवल होते हैं, हम 80% 90% 100% हम किस लेवल पे हम काम करें जिससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगा। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। अब देखो कंट्रोलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग इज द दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी वेयर बाय मैनेजर्स कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान परफॉर्मेंस। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पढ़ोगे वहाँ पे हमेशा यही बताया गया है कि आपको एक्चुअल को कंपेरिजन करना है स्टैंडर्ड से और जो वेरियंसेज आ रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहे हैं उसके पीछे के रीजन को फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द डिविजन एंड टेक रिमेडियल स्टेप्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में। जो न्यू टॉपिक आ रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये सारा कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में ही है। ठीक है, ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व्स मैनेजमेंट इन फॉलोइंग वे, क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ कॉस्ट। देखो क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय द वेरियस वे। हम कॉस्ट को वेरियस टर्म्स पे क्लासिफाई करते हैं। आप आने वाली वीडियोज में देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी, हम वेरियस बेसिस पे हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। आने वाले वीडियोज में आपको इन डिटेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेवल एंड ओवरहेड, ये चीज़ें भी मैंने आपको बता रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। जब मैंने टॉपिक डिस्कस किया वहाँ पर मैंने डिस्कस किया, फिर भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। सेल्स क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। अब कॉस्ट के 3 पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब इन तीनों में हो सकता है आपने प्लान किया होगा कि आपको 10 रुपये
₹15 और ₹20 का आपका खर्च आना चाहिए था, एक्चुअल में आ गया ₹12, ठीक है, और ₹18। अब इसमें क्या हुआ, कुछ खर्चे आपके एडवर्स हो गए, कुछ फेवरेबल हो गए। जैसे यहाँ पे आपका एडवर्स हो गया, खर्चा ₹10 होना चाहिए था, आपने ₹12 कर दिया। यहाँ पे फेवरेबल हो गया, ₹3 आपने स्किप कर दिया, यहाँ पे भी आपका फेवरेबल हो गया, आपने ₹2 सेव कर लिया। तो इस सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे कि हमारा कॉस्ट होना कितना चाहिए था और हुआ क्या, और इसके पीछे फिर रीजन फाइंड आउट करेंगे आखिर किस वजह से कॉस्ट मेरी बढ़ गई और यहाँ किस वजह से मेरे कॉस्ट कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बिजनेस पॉलिसी में रिक्वायर्ड द कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड एंड प्रोसीजर्स एंड दिस इज फैसिलिटेटेड बाय कॉस्ट इन्फॉर्मेशन करेक्टली प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल बाय एड ऑफ कॉस्ट एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट कैन डिसाइडेड whether the manufacturing of a certain products increase overhead expenditure disproportionately and whether to treat। देखो मैंने इसके बारे में ना बिजनेस पॉलिसीज के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है, आप उस वीडियो में देखो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। बजटिंग भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यहाँ भी कुछ नया नहीं है, आप आने वाले वीडियोज में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको बजटिंग कंप्लीट मिल जाएगा जब आप टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ोगे, मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरिंग इफिशियंसी, हम हमेशा लेबर्स के लिए मटेरियल के लिए एक इफिशियंसी डिसाइड करते हैं कि आपको एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, हमने लेबर को बोला उसने 8 यूनिट बनाया तो क्या हुआ, उसने अंडर इफिशियंसी काम किया, यानी उसकी इफिशियंसी कितनी हुई 80%। अगर उसने 12 यूनिट बना दिया तो उसकी इफिशियंसी 120% हो गई। तो हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये चीज़ें भी मैंने बता रखी है कि सपोज मेरे पास मिल्क अगर 10 kg, या मिल्क वाला एग्जांपल आप देखो, आप उसकी वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, मेरे पास 10 kg मिल्क है एंड मेरे पास 3-4 अल्टरनेटिव है, तो उसमें से मैं कौन सा अल्टरनेटिव यूज करूँगा जिससे मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इट प्रोवाइड ए मैनेजमेंट विथ वैल्यूएबल डाटा फॉर प्लानिंग, बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। The organization and management or undertaking must be planned and controlled in such a way that the desired volume of production is achieved at least possible cost in relation to the scheduled quantity of production. Product. The measurement of the degree of which the objective is attained in provided by the cost accounting. An efficient system of cost accounting does regard the important part of effort of management to secure business stability. मतलब अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा होगा तो आप अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी यानी आपके बिजनेस लॉन्ग रन में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी आप ये मालूम कर सकते हो। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्या होते हैं, जिस कंपनी के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होती है उनको क्या करवाना पड़ता है, कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है। सारी कंपनी नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंपनी है जिसको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ती है। कॉस्ट ऑडिट में क्या करोगे, आप फ्रॉड को ईडर को चेक करोगे जिससे कंपनीज के फ्यूचर में वो सारी गलतियां जो उसने की है वो आगे ना करे, इसके लिए हम कॉस्ट ऑडिट्स करते हैं। स्पेशल फैक्टर, इट इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द स्पेशल फैक्टर सच एज ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, सीजनल वेरिएशन इन द वॉल्यूम एंड कॉस्ट, आइडल टाइम, ये सब कुछ मैंने बता रखा है, वीडियोज में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमिनेशन में मैंने बता रखा है कि हम अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम अलग अलग प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो मेरी कंपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रही है और फिर मेरे पास कोई एडिशनल ऑर्डर आया तो हम किस तरीके से प्राइस डिसाइड करेंगे, ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है, आप वीडियोज को देखना उसमें आपको मिल जाएगा। देन फिर सपोज मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, तो मेरा क्या टारगेट होगा, एटलीस्ट मेरी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, ठीक। या फिर कुछ कंपनी क्या कर सकते हैं, मान लो आपका फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर बेचोगे, यार आप अगर प्रोडक्शन करो या ना करो फिक्स कॉस्ट तो हो ही रहा है, अब बायर ये देने को भी तैयार नहीं है तो आपका क्या होगा, और दिक्कत हो जाएगा, एटलीस्ट आपका बिजनेस रन तो करेगा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो कभी कभी ऐसा हमें करना पड़ता है, हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। एक्सपेंशन, मैनेजमेंट इज एबल टू फॉर्मुलेट एक्सपेंशन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरियस लेवल ऑफ प्रोवाइड्स बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। हम बिजनेस किस तरीके से हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको भी हम मैनेजमेंट को हम बता सकते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंस किस तरीके से कर सकते हैं।
जैसे जब आप बजट बनाओगे तो वहाँ पे आप लेवल्स आप फिक्स करोगे, 80% लेवल, 100% लेवल। तो इस केस में आप बता सकते हो कि अगर आप 100% कैपेसिटी पर आप अगर काम करते हो तो आपकी प्रॉफिट कितनी होगी, 80% पे कितनी होगी, 70% पे कितनी होगी, 60% पे कितनी होगी, जिससे मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि उसको अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है, कोई टॉपिक किसी और वीडियोज में कवर हो रखी है, बिकॉज एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बार बार आपकी वीडियोज में आ रही है, बिकॉज इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में वो रिपीटेड टॉपिक्स है। इसी वजह से कुछ टॉपिक्स को मैंने स्किप भी किया है जिसको ऑलरेडी मैंने कहीं और डिस्कस कर रखा है। तो एज दी होल जब आपके कम्प्लीट ये वीडियो कम्प्लीट होगा तो आपको सारे टॉपिक्स कवर मिलेंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आपने कहीं पढ़ा ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।